काम तो 2 दिन में हो जाना है। दूसरा सर, ये खरगोन जिले के ग्राम भाटली में बिक रही अवैध शराब को बंद करने के लिए ग्राम की ही कुछ महिलाओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई के दौरान शिकायत की थी। शिकायत करने के बाद महिलाएं जब ग्राम भाटली पहुंची तो शराब माफियाओं द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज की गई। इसी को लेकर महिलाएं गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और शिकायत की गई। महिलाओं ने बताया कि शराब माफियाओं द्वारा हमारे साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज की गई और धमकी भी दी गई। इसी की शिकायत को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। जब इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत कनकने से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर थाना प्रभारी को मौके पर पहुंचाया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या मामला है? शराब का मामला है सर। चार चार दुकान है और हमारे गांव में बहुत परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे भी शराब पीते हैं और शराब बेचने वाले ऐसे बोल रहे हैं कि तुम कब तक शराब बंद करवाओगे, 4 दिन बाद और चालू करवा देंगे और तुम्हारे मकान तोड़वा देंगे कह की, और तुम खरगोन जाना तुमको बता देंगे कहते। हम धमकी दे रहे हैं सर। एसपी साहब से आप मिले, उनको जानकारी दी, क्या बोला? एसपी साहब ने ऐसा बोला कि गाड़ी गई जाओ। किसकी गाड़ी गई? पीआई साहब की गाड़ी गई। मंगलवार को आप आए थे जिसमें आपने आरोप लगाया था कि शराब माफिया ये कहते हैं कि हमने मेनगांव में पुलिस वाले कुत्ते पाल रखे हैं। मेनगांव थाने पे हम 3 बार गए थे शिकायत करने, तो मेनगांव के पुलिस वाले उनको शराब वाले ऐसे बोल रहे हैं कि हमने कुत्ते पाले हैं, वो क्या कर लेंगे हमारा। पुलिस वालों को कुत्ता बोल रहे हैं? ये शराब वाले ऐसे बोल रहे हैं। कौन है बोलने वाला, कौन है, उसका क्या नाम? सभी 4 जन बोलते आनंद राम, शंकर, धर्मेंद्र, सुरेन और उनकी पत्नी भी गाली गलौज कर दी गंदी। हम वसु भाई, ललिता भाई और भारती भाई, नहीं उनका छोरा है ना शंकर का, शंकर का छोरा राजेश, बोलते कि कोई भाई नहीं और इधर उधर पड़ोस में छुपा देते हैं। जो मंगलवार के रोज हम आए थे दारू वाले के पास, ये दारू नहीं बंद कर रहे थे, आए थे तो 2 दिन उनको बंद रखे, उसके बाद घर आके हमको गाली गुप्ते करे, बोले कि तुम जाने वाले कौन थे, बोले किसने गाली बकी? जो दारू बेचते वो आए हमारे 9 बजे 10 बजे रात। कौन बेचता है गांव में दारू? गांव में आनंद मामा है हमारा, तो उनका नाम तो हमने कुछ लिया नहीं। कुछ जो भी मेरे को सोयल के जगाए और आके मेरे को बोलते है कि तुमने किलो किलो भर आटे कब ला के खाए और तुमने ऐसे क्यों जाके बोले पुलिस वाले को, तो हमारे आदमी हमको परेशान करते हैं। तो हमने बोला हमको जो हमारी घर में ये थी परेशानी वो बात हमने बोला पुलिस वाले को, तो कह के ऐसे क्यों बोले, तो भैया हमारा बोलने का फर्ज है तो बोला हमको, हमको किसी ने शिकायत भी नहीं, हमारा आदमी जैसा परेशान करता है ऐसा हमने जो शिकायत करी थी उसके आधार पर उन्होंने गालियां दी। हाँ गालियां दी और उनके यहाँ के भाई बालक सभी जो हमको ऐसे बोलते कि तुम क्यों गए वहाँ पे। अभी एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? शराब बंद करवाना है तो हाँ बोलते है, उसके बाद में भी 2 दिन तक अभी भी चल रही है उनकी दारू बंद नहीं है और हमको अभी बोलते कि कभी ऐसा बोलेगा तो तुम कैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो हम कैसे कर देंगे, मार के फेंक देंगे, तुम कैसे कर देंगे, तो भैया हमारी जवाबदारी कौन लेगा? मार के फेंकने की धमकी कौन दे रहा है? जो दारू बेचते वो कौन कौन है, नाम है उनके? हाँ नाम भी है, आप ही आपस में ऐसे गाली देते हैं ऐसे रास्ते चलते चलते। हाँ, और हमको ऐसा नहीं बोलता कि ऐसा, फिर हमें ये खेले देखे ले जाएंगे, उसने हमको कभी काल कदार रास्ते में रोक के मारेंगे, फिर हमको कौन छोड़ाएगा, कौन जवाबदारी, आप जवाबदारी लोगे क्या? एसपी साहब से मिले क्या, कहा उन्होंने क्या आश्वासन दिया उन्होंने? एसपी साहब ने बोला कि गई गाड़ी, तुम आ जाओ वापस, हमारे यहाँ गई भाटली, पीआई साहब गए भाटली। नाम है आपका? आपका रुक्मणी भाई। क्या धमकी दे रहे दारू वाले? ऐसे बोल रहे थे कि भाइयों ने गाली देते आए तो पकड़ लेना और मारना सभी ने, घर वालों ने सबने पकड़ के, और यहाँ गाली देता है जेंट्स को, हम तो बेचेंगे दारू खुली बेचेंगे, क्या कर लोगे, तुम्हारे से जो है वो कर लो। मेरा पति 20 किलो घर से निकाल के ले गए और बेच दिया और उसके घर दारू पीने गए, मैं मेरे आदमी को लेने गई तो वो मेरे को गाली दे रहे थे, सबके सब पूरे बच्चे तक गाली दी, मेरे को छोटी सी बच्ची उसने भी गाली दी, उसने भी गाली दी। पुलिस के बारे में क्या बोलते हैं? वो बोले थे कुत्ते पाले हमने तो, जाओ कर लो, क्या करोगे, जाओ जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ, मेनगांव जा रहे हो आप भी जाओ जाओ। ये शराब बेचने वाले? हाँ शराब बेचने वाले सभी बोलते, हमको भाई उनको धमकी देते, बोल क्या कर लोगे तुम, जाओ तुम्हारे से जो हो वो कर लो, हमारे आदमी लोग हमारे साथ नहीं दे रहे, हम अकेली भाई यहाँ रहे दौड़ दौड़ के। एसपी साहब ने इस संबंध में आप लोगों ने बात करी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि जाओ तुम्हारी रक्षा के लिए गए, गाँव में गए गाड़ी गई, बोले
क्या नाम आपका? माया सोलंकी। उनका कहना था कि क्षेत्र में अवैध रूप से शराब